स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले टॉपिक्स में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी की थी। फिर हमने कहा था कि उसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस है वो है एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशंस। डबल सर्कुलेशंस को केवल डेफिनेशन नहीं बतानी है, एक्सप्लेन मीन्स हो गया आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर, यानी कि पूरा जो इसका लीनियर डायग्राम है वो आपको शो करना है। तो द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्किट या साइकिल। पूरे एक साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट से दो बार होकर के गुजरता है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन से। तो पूरा जो कंप्लीट सर्किट है या साइकिल है उसमें इसके दो सर्किट होते हैं। फर्स्ट सर्किट है जो पल्मोनरी सर्किट कहलाता है। पल्मोनरी सर्किट यानी कि जब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स अगेंस्ट लंग्स में या लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए एंटर करता है। दूसरा है सिस्टमिक सर्किट। सिस्टमिक सर्किट जब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी टिश्यूज में या हमारे ऑर्गन्स में सप्लाई की जाती है या वहां पर पंप किया जाता है। तो हार्ट से ब्लड को दो बार पंप किया जा रहा है। पहले एक तो किया जा रहा है जब पूरे बॉडी में हमारे ट्रांसपोर्ट होता है, सेकेंड जब वापिस हार्ट से लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है। ये सिर्फ लीनियर डायग्राम बनाया हमने। लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लेफ्ट ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में बाय एटा के बॉडी टिश्यूज में सप्लाई होती है। बॉडी टिश्यूज में जब ऑक्सीजन यूज हो जाती है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। अब ब्लड कहलाता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय वेना कैवा के थ्रू राइट ऑरिकल्स में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में और राइट वेंट्रिकल्स से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में एंटर करता है अगेंस्ट ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो जैसे हमने कहा कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फोर चेम्बर, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट है वो फोर चेम्बर हार्ट है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें थ्री चेम्बर हार्ट्स भी है, टू चेम्बर हार्ट्स भी है और वन चेम्बर हार्ट भी है। तो हम इसकी एक स्मॉल टेबल बना लेते हैं ताकि हमें लर्न करने में इजी रहता है कि कौन से एनिमल्स में फोर चेम्बर हार्ट है, किसमें थ्री और किसमें टू है। तो फोर चेम्बर हार्ट का मीन्स है कि वहां पर दो ऑरिकल्स और दो वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ये कहलाता है इसमें है डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका हमने देखा, हमने ह्यूमन का पढ़ रहे हैं तो मैमल्स एंड बर्ड्स और मैमल्स में एग्जाम्पल किसका है, ह्यूमंस का भी है। तो इसमें फोर चेम्बर हार्ट में टू ऑरिकल्स प्लस टू वेंट्रिकल्स है, डबल सर्कुलेशन है फॉर एग्जाम्पल्स मैमल्स एंड बर्ड्स। फिर थ्री चेम्बर हार्ट में टू ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर डबल सर्कुलेशन तो है लेकिन वो पूरा इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं है। तो डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। किस किस में पाए थे, एम्फीबिया में और रेप्टाइल्स में। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो क्रोकोडाइल्स होता है उसमें फोर चेम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा एक्सेप्शन है या ऐसा कौन सा एनिमल्स है जिसमें फोर चेम्बर हार्ट, या कौन सा ऐसा रेप्टाइल्स है जिसमें फोर चेम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो फोर आपको एग्जाम्पल आंसर में देना है आपको क्रोकोडाइल्स। टू चेम्बर हार्ट जिसमें एक ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल्स होता है, सिंगल सर्कुलेशन है फॉर एग्जाम्पल फिशेज में। अब ये बात है कि हमने डबल सर्कुलेशन तो पढ़ लिया, इसमें आता है कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। सिंगल सर्कुलेशन जैसे कि हमने कहा कि फिशेज में प्रेजेंट होता है, तो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उस डिजोल्व ऑक्सीजन को फिशेज क्या करती है, बाय गिल्स के थ्रू अपनी बॉडी में रिसीव करती है। जब ये, अब जैसे ये ऑक्सीजन गई तो ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है वो उसने रिसीव किया है। ये ऑक्सीजन ब्लड पूरी बॉडी या पूरे बॉडी टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यहाँ पर यूज हो जाता है, फिर वही वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस ब्लड में छोड़ दी जाती है। अब ये ब्लड कहला रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय हार्ट के थ्रू वापस फिशेज की गिल्स में जाता है और अगेंस्ट गिल्स के थ्रू वापस वाटर में इसको छोड़ दिया जाता है। तो पूरे सर्किल्स में हमने देखा कि जो ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो केवल हार्ट से एक बार होकर के निकला है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सिंगल सर्कुलेशन। जबकि हमने हमारे ह्यूमंस में देखा था कि जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट में से दो बार होकर के निकलता है, इसीलिए उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीट, जहां पर इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन पर भी पूछा जाता है, इसको भी पूछ सकते हैं सिंगल सर्कुलेशन, और लॉन्ग में पूछना है तो वो डबल सर्कुलेशन को पूरा एक्सप्लेन भी करना। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्व। वॉल्व की जो हमने बात करी थी कि जो एक बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट था और एक ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट था,
इसके अलावा दो हमने सेमी लूनर वॉल्स भी बताए थे, तो सभी वॉल्स की इम्पोर्टेंट पूछना है कि अपनी जो हार्ट में वॉल प्रेजेंट है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमने देखा था कि जो बाइकस्पिड वॉल है यानी कि लेफ्ट ऑरिकल से जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है तो वहां वॉल प्रेजेंट है बाइकस्पिड वॉल, तो उससे क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो वापस वो लेफ्ट ऑरिकल्स में नहीं जाता, यानी कि ब्लड के जो बैक फ्लोइंग को रोक रहा है, तो प्रिवेंट द बैकवर्ड्स फ्लो ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा व्हाट इज द सेप्टम एंड इम्पोर्टेंस उसकी। सेप्टम क्या था? सेप्टम एक जो लैटिन वर्ड्स है जो जिसका इसको इस तरह से लिखा जाता था ये, तो इसका मतलब होता है लैटिन भाषा में डिवाइडिंग वॉल, यानी कि इसीलिए इसका नाम सेप्टम रखा गया है इसके लैटिन वर्ड से ही, कि जो हार्ट के बीच में एक मस्कुलर लेयर है वो है सेप्टम्स, जो क्या करती है कि हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक जिस लेफ्ट पार्ट में है वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसके राइट साइड में क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो इसलिए सेप्टम वहां पर प्रेजेंट है। तो द हार्ट हैज टू साइड्स, अभी हमने कहा दो साइड है लेफ्ट साइड और राइट साइड, द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, so that the prevent of two type of blood means deoxygenated blood or oxygenated blood from mixing, यानी कि उनको mix होने से रोकता है या prevent करता है। next question से हमारा कि जो arteries है उसकी wall thick होती है comparative to veins के, तो arteries की wall thick क्यों होती है? arteries जो होती है closer to heart यानी कि heart के ज्यादा नजदीक होती है, और जो blood को carry करती है वो artery ही करती है, तो जो हार्ट है वो ब्लड को पंप डायरेक्ट आर्टरीज में करता है, इसलिए वहां पर प्रेशर क्या होता है हाई, तो हाई प्रेशर की वजह से जो आर्टरीज की वॉल होती है वो थिक होती है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि आर्टरीज आर क्लोजर टू द हार्ट, पहले हमने पॉइंट बता दिया इसका रीजन क्या है क्योंकि ये किसके हार्ट के क्लोजर है, फिर ब्लड इज पंप डायरेक्टली इनटू आर्टरीज, सेकेंड पॉइंट में हमने बता दिया कि जो ब्लड है वो डायरेक्ट आर्टरीज में पंप किया जाता है, देयर इज मोर प्रेशर, थर्ड इसका रीजन आ गया, इस वजह से क्या होता है यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है आर्टरीज पर, आर्टरीज कैरीज ब्लड दैट इज पंप ऑल ओवर द बॉडी, और ये आर्टरीज ही क्या करती है हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करती है, मतलब पंपिंग जो प्रोसेस है उसके रिक्वायरमेंट के लिए ही क्या होता है उसके लिए बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए इसकी वॉल क्या होती है थिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास में नेम द वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, कौन सा ब्लड पूछा है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ऐसे वेन्स का नाम बताना है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है लंग्स से हार्ट तक, तो कौन सी है हमने उसमें पढ़ा था पल्मोनरी वेन, सबसे पहले पल्मोनरी वेन ही क्या करती है ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है। अब इसके जस्ट अपोजिट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेम द वेन की जगह यहाँ पर आ जाए आर्टरी, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट की बजाय क्या आ जाएगा हार्ट टू द लंग्स। तो कौन सी वेन्स थी ऐसी पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज पूछा है तो तब भी पल्मोनरी आर्टरीज है और वेन पूछे तब भी पल्मोनरी वेन पल्मोनरी आर्टरीज, आप यहाँ पर ध्यान देना कि पूछा क्या है आर्टरीज पूछा है तो पल्मोनरी आर्टरी और वेन पूछे तो पल्मोनरी वेन। विच टू ऑर्गन सिस्टम्स आर इन्वॉल्व विद सर्कुलेशन इन द बॉडी, यानी कि जो ब्लड का हमारा सर्कुलेशन होगा उसमें से कौन कौन से सिस्टम्स है जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे बॉडी के, तो एक तो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा ऑर्गन है जो हमारे सर्कुलेशन में हेल्प करता है वो है लंग, और सर्कुलेटरी सिस्टम दूसरा सिस्टम कौन सा है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें कौन सा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड के फ्लो में हेल्प करता है वो है हार्ट, यानी कि लंग्स और हार्ट ऐसे दो ऑर्गन्स ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो फर्स्ट इसका फंक्शन क्या है कीप द आउटर सरफेस मॉइस्ट, यानी कि हार्ट की जो आउटर सरफेस है उसको मॉइस्ट करता है, दूसरा वर्क एज ए शॉक एब्जर्वर के रूप में वर्क करता है, यानी कि कोई भी झटका लगे या कोई भी इंजरी हो तो उसको पहले ये एब्जॉर्ब कर लेता हार्ट तक नहीं पहुंचने देता।
थर्ड है इसका प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल इंजरी, यानी कि कोई भी वही बात है शॉक अब्जर्वर की तरह ही, कि कोई भी जिसे बाहर से इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है और होता है, तो सबसे पहले क्या करता है जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो हार्ट को उसमें प्रोटेक्ट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ये, व्हाई इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इम्पोर्टेंस, सर्कुलेटरी सिस्टम की हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट कि द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टू सेल्स, मतलब हमारे सेल्स तक क्या क्या पहुंचा रहा है। हमने ये ब्लड के फंक्शन में भी वर्क पूछा कर, मतलब इसका डिस्क्राइब किया था कि ऑक्सीजन है न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस। इसमें हमने 7 डिफरेंस किए हैं। आपके 10th क्लास में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कोई 2 या 3 डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप 7 में से आपको जो भी इजी लगे वो आप डिफरेंस अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। जैसे फर्स्ट है कि आर्टरीज में हम कहते हैं कि जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि वेन्स होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है तब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये हार्ट से, मतलब पूरे जो हार्ट में जो ब्लड आया उसको हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रही है, यानी कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है, यानी कि हमारे बॉडी तक ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो आर्टरीज टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि ब्लड उससे दूर जा रहा है। वेन क्या करती है, ब्रिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट, यानी कि पूरा जो ब्लड है उसको वापस हार्ट में लेकर आ रही है, बॉडी से हार्ट में। शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया बॉडी टू हार्ट, या यहाँ पर हार्ट टू बॉडी। थर्ड डिफरेंस है कि आर्टरीज की वॉल होती है जो थिक होती है, ये अभी हमने क्वेश्चन भी किया था इसमें, इसकी वॉल थिक वॉल की होती है और इसकी जो वॉल होती है वेन की वो थिन होती है। रेड इन कलर्स आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए इसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है इसका कलर रेड होता है, जबकि इसका ब्लू कलर होता है। लोकेशन क्या है इसकी, यहाँ पे जो आर्टरीज होती है डीप विद इन द बॉडी, बॉडी के काफी नीचे की तरफ होती है, जबकि जो ये होती है पेरिफेरल होते हैं और लोकेटेड क्लोजर टू द स्किन। जो हमारे इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वो वेन्स में ही लगते हैं, क्योंकि हमारे बिल्कुल स्किन के क्लोज होती है। फिर है इसमें वॉल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि वेन में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। हाई प्रेशर होता है ब्लड फ्लो का, जबकि इसमें वेन्स में प्रेशर लो होता है। इसका भी रीजन हमने इसके क्वेश्चंस के रूप में कर लिया कि इसका प्रेशर हाई क्यों होता है, क्योंकि ये जो पंप कर डायरेक्ट हार्ट से ब्लड आर्टरी से पंप किया जाता है, इसलिए प्रेशर हाई रहता है। अब इसके आप जितने हमने क्वेश्चंस किए जो चैप्टर्स में, अब इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है कि यदि आपके एग्जाम्स में आए इस टॉपिक से रिलेटेड तो जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, और इससे पहले आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको सारे इसके आंसर सॉल्व होंगे। तो इसका जो पहले वाले वीडियो का लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप इसके पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि इससे जो आगे आने वाले रिलेटेड वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।